दोस्तों मैं पहुंच गया हूं आज सारनाथ। सारनाथ में आपको दिखा रहा हूं, यहां एक पर्यटक स्थलों में से एक है। ये आपका एंट्री गेट है, एंट्री गेट से जैसे अंदर घुसेंगे सारनाथ में गौतम बुद्ध की प्रतिमा दिखाई देगी। सारनाथ देश भर में सबसे पवित्र बौद्ध धर्म स्थलों में से एक स्थल है। दोस्तों बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला पवित्र उपदेश सारनाथ में दिए थे। वैसे तो भारत में कई स्थान ऐसे हैं जो बौद्ध धर्म के तीर्थ बन चुके हैं, प्रमुख तीर्थ स्थल में सारनाथ माना जाता है। सारनाथ में ही भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, यहीं से शुरू किया था पहला उपदेश देना। उन्होंने धर्म चक्र परिवर्तन प्रारंभ किया था। यह स्थान बौद्ध धर्म की चार प्रमुख स्थानों में से एक है। इसके साथ ही सारनाथ को जैन धर्म एवं हिंदू धर्म में भी महत्व प्राप्त है। जैन धर्म ग्रंथों में इसे सिंहपुर कहा गया है, सिंहपुर का नाम दिया गया है दोस्तों। और माना जाता है कि धर्म के 11वें तीर्थकर श्रेयासनाथ का जन्म यहीं से कुछ थोड़ी दूर पर हुआ है। और यहाँ पे देश विदेश से लोग घूमने के लिए आते हैं। यहाँ पे जगह जगह पे गौतम बुद्ध की प्रतिमा लगाई गई है। पर्यटक स्थल है ये। हर स्कूलों से यहाँ पे बच्चों लोग को पर्यटक स्थानों पर लाया जाता है। यही है गौतम बुद्ध का स्थान, आप लोग देख रहे हैं। इनकी प्रतिमा 80 फीट कुछ इंच है। इनका उम्र के हिसाब से 80 साल तक जीवित थे, इसीलिए इनका उतने बड़ी प्रतिमा बनाई गई है। दोस्तों ये देखिए स्पूत है, ये स्पूत पर्यटक स्थलों में से एक स्पूत है। यहाँ आप घूम सकते हैं, यहाँ टिकट लगता है अंदर जाने के लिए। आप प्रवेश करेंगे, ऑनलाइन टिकट लेना पड़ेगा यहाँ जाने के लिए। ऑनलाइन टिकट लेके आप पूरा घूम सकते हैं स्पूत में। दोस्तों कभी भी आइए यहाँ सारनाथ में,